जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हम लोग एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी को। लोगों के कुछ सवाल हैं, सवाल के ऊपर ही सिर्फ बात होगी इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक का डिटेल्ड वीडियो मैं काफी समय से अपलोड करते आया हूँ अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। इसमें समझेंगे कि ये जो गिरावट आ रहा है क्या इस गिरावट से हमें घबराने की जरूरत है। दूसरी बात समझेंगे स्टॉक के ऊपर इस ये जो कंपनी है इसके ऊपर डेप्ट कितना है, क्योंकि यदि डेप्ट होता है ना और कंपनी का यदि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर डेप्ट चुकाने में मुश्किल होता है। तो सारी चीजों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये काफी बड़ा रोल डालते हैं कंपनी के शेयर प्राइस को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने को लेके। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक साल के चार्ट पे ओपन आते हैं और क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस को पहले एनालिसिस कर लेते हैं तो वो ज्यादा कारीगर होगा। अभी समझिए प्राइस यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में है, लेकिन क्या इससे हमें घबराने की जरूरत है? जब तक प्राइस इस रेंज बाउंड में है, 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के बीच में इस रेंज बाउंड में जब तक ये समय बिताएगा तब तक हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समय बिताना चाहिए। और जितना लंबा इसमें समय बिताएगा, जब इससे बाहर निकलेगा तो इतना ही लंबा, मतलब जितना देर इसमें समय बिताएगा उस माना जाता है कि उतना ही बड़ी तेजी इससे बाहर निकलने के बाद स्टॉक में आती है। तो अभी चूंकि कॉन्सोलिडेशन रेंज में प्राइस है, देखेंगे नीचे आया, अब नीचे आके समय बिताएगा। आपको घबराना कब है? जब प्राइस 2 रुपए से नीचे आए, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि इस अभी पहले इसको कॉन्सोलिडेशन रेंज में आना है और इस रेंज में आकर समय बिताएगा, ऐसा ही होता है। तो आप मान के चलिए कि 2 रुपए से नीचे नहीं आएगा, आप यकीन मानिए। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, इस रेंज में समय बिताएगा तो बेहतर है। और समय बिता के जब ऊपर निकलेगा तो इजिली ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, क्योंकि अप ट्रेंड का लाइन है तो इसके ऊपर ही जाएगा। यहाँ से इसको मिलाते हैं तो तकरीबन ये जो यहाँ पे हाई निकल कर रहा है 3.5 रुपए 4 रुपए के लेवल, तकरीबन मान लीजिए इसके डबल जाएगा, तो 7 से 8 रुपए तक इजिली आपको शॉर्ट टर्म में प्राइस यहाँ इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके जहाँ पे दोनों लाइन मिलेगा 7-8 रुपए तक के लिए आप इसमें जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको घबराना नहीं है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो चाहे आप इस लेवल पे बाई करके बैठे हुए हैं, आप तब तक बने रहे जब तक प्राइस 2 रुपए के नीचे नहीं आए। 2 रुपए के नीचे आएगा तब आपके लिए घबराने की या टेंशन वाली बात होगी। जब तक इस रेंज में है, 2 रुपए के ऊपर है और इसमें समय बिता रहा है, तब तक बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए जो लोग टॉप पे बाई करके बैठे हैं, जैसे इस रेंज से बाहर निकले 2.5 रुपए से ऊपर निकले, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, तो यहाँ पे और आप एवरेजिंग कर लीजिएगा ताकि आपका जो एवरेजिंग प्राइस है इससे कम होकर इस लेवल के आसपास आ जाए और फिर थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर निकलेगा, जिसमें बताया कि 4 रुपए तक तो जाएगा ही कम से कम, और 4 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यही 7-8 रुपए तक आपको जाते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ तक इसको मिलाने पर होता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, सॉरी एवरेजिंग कर सकते हैं, और नया व्यक्ति भी यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। अब समझिए यहाँ पे जब बैलेंस शीट पर आप आते हैं तो आप देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि इस स्टॉक ऊपर बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। पहले 1 लाख का सॉरी 1 करोड़ के आसपास कर्ज था, ये कम हो गया। हालांकि ज्यादातर देखेंगे तो स्टॉक पिछले कुछ क्वार्टर से देखें, पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पे डेप्ट फ्री ये कंपनी रह रही है। और धीरे धीरे देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो, वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। हर क्वार्टर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कंपनी में हो रहा है। अच्छा, ये बढ़ कैसे रहा है? इसका मतलब है कि कंपनी का जो क्वार्टर्स के जो नंबर आते हैं हर 3-3 वहां पे, उसमें कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के सेल्स हो रहे हैं और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का पैसा से कंपनी अपने डेप्ट को, तो चूंकि डेप्ट तो है नहीं, तो पैसा कहाँ यूटिलाइज करेगी? बिजनेस को एक्सपेंड करने में और अपने पास जो रिजर्व पैसा होता है उसको स्टोर करने में। देखिए यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर्स के रिजल्ट में तो कंपनी का जो सेल्स हुआ है मार्च क्वार्टर में जबरदस्त हुआ है, 87 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो पिछले कई क्वार्टर में आपको कभी भी होते हुए नहीं दिखा था। जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है इसके बदौलत, जो कि कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं और इस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर मुकाबले ज्यादा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल यदि क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा हुआ, 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो ये चूंकि प्रॉफिट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी जो काम करती है, काम का डिमांड है, काम का डिमांड होगा तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी के पास प्रॉफिट आएगी, और प्रॉफिट आएगी तो कंपनी का जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड होगा उससे। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एम्पावर इंडिया लिमिटेड में, चूंकि ये काम धाम तो बढ़िया है कंपनी का, IT से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो IT कंपनियों में देखिए समय देंगे तो पैसा बनेगा, IT कंपनी 2-4 दिन के लिए नहीं होता, इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। और आपको समझना होगा कि काम के साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल भी बेहतर है, और फंडामेंटल बेहतर होने के साथ साथ हर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का इंप्रूवमेंट होते हुए आपको दिख रहा है। तो जिस कंपनी में समय दर समय इंप्रूवमेंट हो रहा हो कंपनी के फंडामेंटल में, काम में, मैनेजमेंट में, तो उस कंपनी के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो उस कमेंट में पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं सबके कमेंट का तसल्ली से जवाब देता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।